हेलो दोस्तों, ये है 29 अगस्त का मेंस का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सीरीज। देख लेते पहला क्वेश्चन। तो पहला पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ही आपको आता होगा, नहीं तो नहीं आता होगा, ठीक है। बट स्टिल, क्योंकि कुछ कुछ हिस्टोरिकल पार्ट भी अपन को कवर अप कर लेना चाहिए, तो उसी लिए मैं भी कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते पूछा क्या गया है इसको क्वेश्चन में, और इसको एनालाइज करके कैसे आप आंसर लिखिएगा वो तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना। डिस्कस हाउ वुमेन्स वेर ट्रीटेड एंड डिपिक्टेड ड्यूरिंग द चोला कल्चर, ठीक है। देखिए, चोला कल्चर के बारे में आपको बोला गया था, चोला पीरियड का जो कल्चर है उसमें वुमेन्स को कैसे डिपिक्ट किया जाता था, ठीक है। तो आप चोला का पहले ये बता लीजिएगा दैट किस रीजन में उसका इन्फ्लुएंस था, ठीक है। चोला, चेरा, पांड्या, तीन थे, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा किस किस रीजन में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, ठीक है। उस मतलब ये वाला, लेकिन पिक्चोरियल डिपिक्शन दे देना, लेकिन ठीक है, मैंने दिया नहीं है यहाँ पर, भूल गया, बट एनीवेज दे देना। और बोलना दैट चोला कल्चर के बारे में थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन लिख लेना, समझ रहे हो बात को। चोला कल्चर के लिखने के बाद उसका आपको लिखना है दैट वहाँ पर वुमेन्स को कैसे ट्रीट किया जाता है ना। मतलब इसका थोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन करके लिखना दैट चोला कल्चर में यही अच्छी बातें थे, आर्ट, आर्किटेक्चर, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत अच्छी बातें थे। उसमें से एक अच्छी बातें थी वुमेन्स को ट्रीटमेंट भी, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करना कैसे वुमेन्स को ट्रीट किया जा रहा था, ठीक है। एक तो वुमेन्स को ट्रीट कैसे किया जाता था और कहाँ कहाँ वुमेन्स को डिपिक्ट किया जाता था, दोनों चीज़ आपको लिखने पढ़ने हैं इस आंसर में, ठीक है। तो चोला के बारे में ब्रीफिंग कर दो, और मैंने पिक्चर पिक्टोरियल डायग्राम भी दे देना, है ना। आर्ट, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, नवल पावर अच्छा था, उसमें से कहीं ना कहीं हम देखते हैं दैट वुमेन्स का जो ट्रीटमेंट भी था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट था वो एस्पेक्ट हम लोग देख लेंगे, है ना। अच्छा, और भी एक चीज़ आप लोग बोलोगे, वुमेन्स को सब समय अच्छा ऐसा नहीं दैट यू नो खुला छूट दे दिया गया था, कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो सब भी आपको लिख लेना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल से लिखोगे तो रिस्पेक्टिवली मुझे लगता है दैट ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने का आसार है, ठीक है। तो वुमेन्स को ट्रीटमेंट कैसे किया जाता था दोस्तों, पहले ये देखते हैं, तो उसके बाद देखेंगे वुमेन्स को डिपिक्ट कहाँ कहाँ किया गया है, ठीक है, चोला पीरियड के समय, चोला कल्चर के समय। इनफैक्ट तो वुमेन्स को फ्री ट्रीटमेंट दैट दे हैव गॉट द फ्रीडम टू मैरी देयर ओन चॉइसेस, है ना। जो उनका मन तब वो लोग शादी कर सकते थे जिस लड़के को, है ना। इंजॉयड प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, इक्वल टू मेल चाइल्ड, मतलब उसको ट्रीट किया जाता था, और यू नो उनको प्रॉपर्टी राइट्स भी दिया जाता था। दे हैड डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ दैट रीजन ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, अभी वाला नहीं, दैट टाइम। इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में उनसे उनसे सलाह मशवरा किया जाता था वुमेन्स में। बहुत ऐसे सेक्टर्स के एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल्स है कि तो अगर आपके पास आता भी है तो लिख दीजिए, ठीक है, नहीं आता भी तो कोई नहीं, चलेगा, हिस्ट्री का आंसर है यार, सबका एक ही नंबर आने वाला है, ठीक है, 90 से 100 के बीच में ही ऑलमोस्ट GS1 में सबको नंबर आता है। तो एनीवेज, है ना, वही अब ये दिमाग में मत रखो दैट 90 से 100 के नंबर के बीच में आता है, इसका मतलब हमको ये करना है, क्योंकि 122 130 तक भी नंबर गया है, ठीक है, तो ये भी माइंड में रखना है ना। एनीवेज, इंस्टेंसेस जहाँ पर दिखे, जहाँ पर वुमेन्स को एज अ ब्रेव यू नो फिगर डिपिक्ट किया गया, कैसे, वो तब तब के समय में वुमेन्स एज अ बॉडी गार्ड भी वुमेन्स लोग काम करती थी। मतलब जैसे वुमेन क्वीन हुई ना, तो उनकी बॉडी गार्ड कौन बनेगा, मेल तो नहीं बनेगा ना यार, वुमेन ही बनेगा, दिमाग लगाओ, है ना। तो वुमेन्स को ऐसे ट्रीट किया जाता था। अच्छा, अब उनका डिपिक्शन कहाँ क्या किया जाता था, इनका डिपिक्शन हमें दिखता है डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में, इनके बारे में लिखे हुए हैं, तभी ना हम लोग अभी बोल पा रहे हैं, ठीक है। स्टोरीज और पोएम्स भी बहुत लिखे हुए हैं जिसमें वुमेन्स के बारे में लिखा हुआ है दैट वुमेन्स तब तब की वुमेन क्या क्या करती थी, है ना। तो ये था, बट दूसरा एंगल भी लिखते हैं ना दैट वुमेन्स को जो है अच्छा अच्छा ही ट्रीट नहीं किया जाता था, गलत तरीके भी से भी ट्रीट बहुत जगह किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन सा सेक्टर है, तब का सोसाइटी फ्यूडल था, तो आप फ्यूडल में तो पता ही आपको पत्रियार्ची ज़्यादा होता है, पत्रियार्ची मतलब यू नो वो मेन फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं उसमें, है ना। डाउरी सिस्टम था जो क्या बहुत बुरा चीज़ था, और अभी भी इनफैक्ट है वो, इनफैक्ट बुरा वाला चीज़, व्हाटएवर। नेक्स्ट इज वीडोज को कोई फ्रीडम नहीं मिलता था, मतलब वाइफ्स को तो थोड़ा मोड़ा तब भी फ्रीडम था, बट एक बार अगर वीडो हो गई, मतलब उनका पति मर गया, तो फिर बहुत परेशानी उनको झेलनी पड़ती थी, ठीक है। और रिसेंटली अगर आपको याद होगा दैन हमने एक नेपाल वाला लेजिस्लेशन नेपाल गवर्नमेंट ने पास किया था दैट वहाँ पे एक सिस्टम होता है चौपाद सिस्टम, जिसके तहत विडोज मेंस्ट्रुअल वुमेन जो होता है उनको यू नो डिफरेंट गंदे गंदे कंडीशंस में रखे जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के कंडीशंस लेकिन तब से प्रिवेल कर रहे थे, है ना। अब मैं तो यहाँ पे नेपाल वाला एग्जांपल दिया आपको, बट एक ग्लिम्स है, क्योंकि नेपाल अभी बहुत रिस्पेक्टिवली इंडिया से बहुत
पीछे वाला सोसाइटी है, समझ रहे बात को? तो वो सब भी, और क्योंकि हिंदू धर्म है ना तो आप रिलेट कर सकते हो, है ना, मतलब आप इसमें आंसर में इनकॉर्पोरेट मत करना, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बोला, ठीक है। तो वुमेन्स वेर विडोज वेर स्पेशली नॉट गेटिंग एनी फ्रीडम एंड सेल, उन इनफैक्ट वुमेन्स को तब बेचा भी जाता था टेम्पल्स में, है ना, तो दे एज अ देवदासीज। तो ये सब कुछ ना कुछ, मतलब वुमेन्स को ट्रीटमेंट, अपने ट्रीटमेंट उनका दोनों एंगल दिखा दिया, हाँ अच्छे से भी ट्रीटमेंट किया जाता है, बुरे से भी ट्रीटमेंट किया जाता था, है ना। साथ ही साथ आपने लिख दिया क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, दैट वुमेन्स को कैसे कहाँ कहाँ डिपेक्ट किया जाता था, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्रिटिकली आपको इवैल्यूएट करना है परफॉर्मेंस ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पहले लिख लीजिए क्या है वो, ठीक है। क्रिटिकली इवैल्यूएट मतलब उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज आपको इनकॉर्पोरेट करना, तीन पार्ट, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना इज अ मैसिव कैंपेन फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम विच हैज ब्रॉट इन टू मेन स्ट्रीम द अनबैंक्ड सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। मतलब तब ये शायद 2014 में लाया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, अगस्त 2014 के अगस्त से। तो क्योंकि तब देखा बहुत एक तबका, एक बड़ा तबका का इंसान था जो, मतलब फार्मर्स यूजुअली गरीब किसान के तबके के लोग थे जो डायरेक्टली फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं थे, तो उनको इसके तहत लाया गया था इंक्लूजन में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का डेफिनेशन हो गया, आप अच्छी अच्छी बातें लिख दीजिए, दैट अकाउंट होल्डर्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़े, इससे वुमेन एम्पावरमेंट कहीं भी देखने को मिला, और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट ही नहीं वैसे वल्नरेबल सेक्शंस जो क्या पहले डायरेक्टली फाइनेंशियल इंक्लूडेड नहीं थे तो उनको भी कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट मिला। पहले देखिए क्या होता था ना, उसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इसलिए लिखा, आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है यार वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सोचिए मेरी कोई वाइफ है, ठीक है, और मैं, मेरा नेचर बहुत पत्रियाचल नेचर है ना, मैंने अपनी वाइफ को दबा दिया यार तुम वो सब काम करो, मैंने उसको हर रोज़ ताना देता हूँ दैट यार मैं ही तो पैसे कमा के लाता हूँ तुम्हारे लिए, है ना, तुम ये सब काम नहीं करोगी मेरा ये वो, तो ये तो गलत बात हुआ ना, हम मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बट तब भी मैं कर रहा हूँ, है ना। और वो क्या होगा ना, वो डर डर के काम करेगी मैं भी जो भी बोलूँगा, क्योंकि उसे पता है दैट यू नो मैं ही कमा के दे रहा हूँ उसको, है ना। और अब क्योंकि फाइनेंशियल, मतलब वो भी पहले कमाती थी ऐसा बात नहीं है, बट वो जो कमाती थी ना उसका पैसा मैं लेकर दारू पी कर आ जाता था, समझ रहे बात को, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लेकिन ध्यान में, मतलब भावना में मत उतार लीजिएगा, है ना। अब उसके पैसे को मैं, वो जो कमा के ला रही थी उसको पैसा का, तो मैं दारू खा रहा हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ उसको भी बोल रहा हूँ दैट नहीं तुमको सब कुछ काम करना पड़ेगा मैं जो बोलूँगा, तो ये एक टाइप से एक्सप्लॉयटेशन उन लोग को होता था ना। बट अभी क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन उनको मिला गया तो वो जो पैसे जो मैं खा लेता था उसका दारू, ठीक है, तो वो चीज़ पैसे को वो डायरेक्टली बैंक में जमा कर दे रही है, इससे उसको एम्पावरमेंट मिल रहा है, ठीक है। सो इट्स एक्टिंग एज अ काइंड ऑफ वुमन एम्पावरमेंट, और साथ ही साथ वल्नरेबल सेक्शंस, दोस्तों वल्नरेबल सेक्शंस, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स पहले लोन लेने जाते थे, है ना, वो लोन कहां से लेते थे, डिफरेंट मनी लेंडर्स से, है ना, और मनी लेंडर्स कितने रेट हाई रखते हैं पता है आपको, 50% तक का इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग, है ना। बट अभी क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन आ गया है, डिफरेंट बैंक्स खुले हैं, है ना, जैसे बंधन बैंक ले लीजिए, वो भी आपका इंटरेस्ट रेट लेता है लेकिन 20-25% मान रहे लेता है इतना, बट स्टिल वो एक एश्योर्ड एक पैसा तो दे रहा है ना आपको, है ना, सरकार से उसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है, समझ रहे बात। तो यही हुआ दैट वल्नरेबल सेक्शंस और वुमेन्स जो क्या बहुत ज़्यादा तब पहले वल्नरेबल थे वो अभी उस एक्सटेंट तक वल्नरेबल नहीं है। नेक्स्ट इज ओपनिंग ऑफ न्यू बैंक्स ब्रांचेस, ऐसा देखा गया बहुत ज़्यादा क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है तो वर्कलोड बढ़ेगा यार, है ना, वर्कलोड बढ़ेगा तो ऑफकोर्स ब्रांचेस खुलेंगे ही। मोर मनी सर्कुलेशन इन फॉर्मल इकोनॉमी, पहले भी मनी सर्कुलेट करता था बट अभी फॉर्मल इकोनॉमी वो मनी सर्कुलेट कर रहा है, मतलब जैसे मैंने दारू वाला एग्जांपल लिया दैट मैंने तो पहले उसका पैसे लेकर दारू खा लेता था, है ना, वो भी अल्टीमेटली इकोनॉमी में ही जा रहा है, ठीक है, बट अभी क्योंकि वो बैंक में जमा कर रही है तो उस बैंक में उसको जमा करने का कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, समझ रहे बात, और साथ ही साथ एक बैंक वाले को भी पैसा मिल जा रहा है क्योंकि पहले जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, देखिए वैसे तो घटा नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते रह रहा है बट स्टिल यू नो बैंक को कहीं ना कहीं रिस्पेक्टिवली पहले से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज जैम ट्रेन, सरकार का यही था दैट जनधन आधार मोबाइल को यू नो प्रोमोट करना है जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यू नो सरकार पहुंचा सके, तो ऐसा फाइनेंशियल इंक्लूजन से मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद ऐसा देखा गया है दैट इसका जो रेट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा है लोगों का जिसके तहत बिहेवियरल चेंजेस भी आए लोगों के इसमें, ठीक है, पहले लोग देख मतलब बैंक को अजीब टाइप से सोचते यार बैंक क्या होगा, सरकारी चीज़ है ना, करप्टेड है ये वो, बट अभी क्योंकि बहुत कुछ एकदम
डिजिटल हो गया है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर हो गया है, तो लोगों को सरकार के ऊपर भरोसा हो गया है ना, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी हुआ है क्योंकि सरकार ने बहुत ज़्यादा कैंपेन इसको चलाया है, एक मैसिवली कैंपेन, ये मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ, पहले जो लोग देखते थे यू नो मॉनिटरी सिस्टम ऑफ इंडिया को, हुआ ना, उस नज़रिए से अभी नहीं देखा जाता है, ठीक है। सर्वेज बहुत ऐसे सर्वे कंडक्ट किए थे जहाँ पर देखा गया दैट सोशल कंडीशंस बढ़ा है, क्योंकि अब वुमेन का ही जैसे मैंने केस ले लिया, वो उस पैसे को जो बैंक में जमा की थी, ठीक है, अब उस पैसे से अपने बच्चों को के सेहत के देखभाल कर रही है ना, अपने बच्चों को स्कूल में भेज रही है, तो एक टाइप से कहीं ना कहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल कंडीशंस जो है लोगों का वहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ मैं दारू नहीं पी रहा हूँ उसके पैसे को लेकर, ठीक है, तो मेरा भी तो सेहत अच्छा हुआ है ना, समझ रहे बात को। नेक्स्ट इज स्मूदन इट स्मूदन्ड द ट्रैक फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अदर गवर्नमेंटल स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पहल स्कीम, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या होना, इसके तहत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहुंचा रही है, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से ही ना ये एक मतलब ये सपना जो था सरकार का वो सच हुआ है। नेक्स्ट इज रुपे कार्ड जो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद कोई लिखा नहीं होगा, मतलब ऐसा यू नो दिमाग में जल्दी नहीं आता ये सब पॉइंट, ठीक है। रुपे कार्ड का भी यू नो सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि तभी के फेज में यू नो रुपे कार्ड लाया गया था NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो जब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये रुपे कार्ड लाया था तो बोला गया था कैसे ये मतलब सर्कुलेट करेगा, ये बेसिकली क्या है ना, एक पेमेंट गेटवे है जो दुनिया का 7वां नंबर पेमेंट गेटवे है। अब देखिए पेमेंट गेटवे क्या होता है, जैसे आप ATM कार्ड उठा लीजिए वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा साइड में वीज़ा मेस्टेरो, ठीक है, वो सब क्या है ना, वो सब पेमेंट गेटवे है, वो सब इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है ना, मतलब आप अगर कार्ड से स्वाइप कर रहे हो तो रिस्पेक्टिवली आपको कुछ चार्ज करता है, से फॉर एग्जांपल अगर 1 रुपया कटेगा आपका वीज़ा या फिर मेस्टेरो कार्ड लेकर, तो वही अगर आप रुपे कार्ड से पेमेंट कीजिएगा ना तो 1 रुपया से बहुत कम लगेगा, क्योंकि वो इंडिजिनस कार्ड है हमारा, समझ रहे बात को, तो उसका भी रीच बहुत हद तक ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये अच्छी अच्छी बातें हैं। अब कुछ कुछ साथ ही साथ चैलेंजेस भी दिखने को मिले हैं दोस्तों, चैलेंजेस में बहुत सारा है, ट्रस्ट मी बहुत सारा है, बट मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है। एनीवेज आप लिख सकते हो दैट अकाउंट्स अभी भी अनयूज पड़ा हुआ है, मतलब लोगों ने तो खोल लिया है बैंक अकाउंट, बट यार फायदा जब तक उठाओगे नहीं तब तक क्या चलेगा यार, बैंक को चलाना पड़ेगा ना अकाउंट, है ना, खोल के तो शक्ल देखने से क्या कुछ फायदा नहीं होगा ना पासबुक का, समझ लो बात। टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सेक्टर में ऐसे मतलब गवर्नमेंट के द्वारा लगाया है जिससे क्या यू नो जो बेनिफिट्स देना चाहते थे उससे लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जैसे बोला गया था प्रधानमंत्री यू नो जनधन योजना के तहत दैट इंश्योरेंस बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है, बट वो कुछ प्री कंडीशंस लगा दिए थे, अगर आप रुपे कार्ड को यू नो 2 महीना के अंदर यूज़ किया कि फिर कुछ एक सर्टेन टाइम लिमिट दे दिया था, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर यूज़ करते रहिएगा तो ही ये इंश्योरेंस फैसिलिटी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो एक गरीब मतलब गरीब क्या समझेगा यार, अब इंश्योरेंस क्या होता है ना, लोगों को क्या समझ में आएगा यार, एक तो मतलब जो भी हो मतलब ये ट्रांसफर कंडीशंस कुछ कुछ छुपे हुए थे जिससे फायदा जो मिलना चाहिए था लोगों को वो फायदा नहीं मिला। नेक्स्ट इज बैंक एक्सेसिबिलिटी एक कंसर्न है, क्योंकि अभी वैसे तो बैंक खुला है बट अभी भी ऐसा देखा जा रहा है दैट बहुत जगहों में बैंक अभी तक खुला नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस इज वन ऑफ द रोड ब्लॉक फॉर इट्स इफेक्टिव रीच, मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना का इफेक्टिव रीच नहीं हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी अवेयरनेस लोगों में नहीं है, ठीक है। तो ये सब लिख सकते दोस्तों आप आंसर में। नेक्स्ट इज इन द लाइट ऑफ एंडिंग ऑफ डोकलम स्टैंड ऑफ, देखिए डोकलम ये खुशखबरी है लेकिन डोकलम स्टैंड ऑफ खत्म हो चुका है ना, व्हाट लेसन शुड इंडिया लर्न इन बॉर्डर मैनेजमेंट टू एड्रेस द फ्यूचर सिक्योरिटी इश्यूज, मतलब ये जो डोकलम स्टैंड ऑफ से इंडिया को क्या सीख मिलती है जिससे ये फ्यूचर में अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो उसको टैकल कर सकते हैं, आपको एग्जामिन करना है, आप एग्जामिन मतलब क्या क्यों कब कैसे वे फॉरवर्ड ब्ला 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 पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड सब कुछ लिखना पड़ता है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, बट ऐसा नहीं दैट सब कुछ लिखना ही पड़ेगा, जो आपको दिमाग में आ रहा है जितना ज़्यादा उतना लिखो, है ना, ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सब कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ तो आपको मटेरियल देकर आना पड़ेगा ना यार पेपर में, ठीक है। तो देखिए क्योंकि डोकलम स्टैंड ऑफ के बारे में बोल रहा है ना, ये इस रीजन का बता दीजिए और साथ ही साथ थोड़ा इशू भी हाईलाइट कर दीजिएगा दैट अभी तक क्या इशू चल रहा था भूटान को लेकर, बेसिकली समझ रहे भूटान जब वो भूटान का टेरिटरी था बट क्योंकि इंडिया और भूटान में फ्रेंडशिप ट्रीटी है तो यू नो इसलिए इंडिया ने बोला था दैट हम भूटान की सोवरेनिटी की रक्षा करेंगे, तो थोड़ा इशू डोकलम स्टैंड ऑफ का पिक्चर बना के, और पिक्चर भी बहुत ईजी है, देखो
ये देखो बहुत ये इतना इजी पिक्चर आराम से कोई बना लेगा, समझ रहे बात को? तो वो सब लिख कर थोड़ा थोड़ा मैटर लिख देना, वो सब कुछ मैटर मैंने नहीं लिखा है। बट आपको मेन क्वेश्चन पूछा है दैट इस डोकलाम स्टैंड ऑफ से आप इंडिया क्या लेसन लेती है फॉर द बॉर्डर मैनेजमेंट टू एड्रेस द फ्यूचर सिक्योरिटी इशू। फ्यूचर में कोई भी सिक्योरिटी इशूज अगर ऐसा आ गया तो क्या इंडिया इससे सीख लेती है और क्या क्या इंडिया को करना चाहिए, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, और भी मैंने जैसे बोला थोड़ा हिस्ट्री लिख दीजिएगा जितना आता है आपको, दैट क्या क्या इशू चल रहा था, ठीक है? अब लेसंस दैट शुड इंडिया लर्न, ठीक है? क्या क्या इंडिया को सीखना चाहिए। एक तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब वो लोग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और हमारा हम लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अभी भी जो बहुत कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए उन पे, मतलब उन पे उतना ऑटोनॉमी दिया नहीं दिया गया था अभी तक, बट ये तो कुछ दिन पहले दिया गया उनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोनॉमी। बट एनीवेज हमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैरी आउट करने के लिए और भी फास्ट ट्रैक कर देना चाहिए, और स्पेशली वो वाले रीजन में जहाँ पर चाइना के साथ हमारा जुड़ता है बॉर्डर, क्योंकि चाइना एक बहुत ही डेंजरस प्लेयर है, ठीक है, हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को सब तरफ से हमसे पावरफुल है, पैसा ले लीजिए, मिलिट्री ले लीजिए, सब तरफ से आगे है, ठीक है? तो उस टाइप से आगे उन लोगों को संभालने के लिए हमको ध्यान से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर ही लो, क्योंकि फ्यूचर में अगर कभी लड़ाई हो गया तो एटलीस्ट हम इंश्योर कर सकते हैं अपना सोवरेनिटी की रक्षा कर सकते हैं। कैसे? अगर देखिए बॉर्डर में अगर ये बॉर्डर है यहाँ पर तक अगर रोड आ गया तो एटलीस्ट हम भी तो अपना आर्टिलरीज यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, समझ रहे बात को? इसीलिए बोला जा रहा है इसको, ठीक है? तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अभी तक हमारा कहीं ना कहीं रोबस्ट नहीं है, उसको रोबस्ट करने की ज़रूरत है। फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल इंगेजमेंट भी हमें चलवा लेना चाहिए, जैसे हाई लेवल टॉक्स विद DGMO और क्या क्या होता है ना, तो जो भी है इनके साथ बातचीत करते रहना चाहिए सब समय, है ना? फ्यूचर में ऐसा कोई सिचुएशन लाने ही नहीं देना चाहिए, है ना? नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी हमें करना चाहिए, और ये कैसे किया जा सकता है? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ये होता है ना, हमारा तो डेमोक्रेटिक कंट्री, उनका डेमोक्रेटिक नहीं कंट्री नहीं है, बट स्टिल पीपल टू पीपल इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट डालता है, ठीक है? क्योंकि हमारे कम्युनिटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वहाँ की कम्युनिटीज़ भी इंडिया में है, ठीक है? तो बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशंस के कारण हमारा रिलेशंस उतना अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और सिर्फ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ही नहीं, कोई दूसरा भी अगर चारा हो वहाँ से भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को हमें आगे प्रमोट करना चाहिए। रिजुविनेट द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, ये बहुत कहीं ना कहीं हम लोग ये भूल गए पंचशील प्रिंसिपल को, ठीक है? हम ही नहीं वो लोग भी भूल गए, ठीक है? तो इसको फिर से रिजुविनेट हमें करना है, ठीक है? एक बड़ा प्लेटफॉर्म में बायलैटरल टॉक्स करके इसको करना चाहिए। नेक्स्ट इज मिलिट्री कोऑर्डिनेशंस को बढ़ा देना चाहिए हमें। दोस्तों हमारा इंडिया और चाइना का पर्सनली कोई मिलिट्री कोऑर्डिनेशंस जो है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? तो उसको हमें और भी बढ़ाना चाहिए। एड मोर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट, ये आर्टिकल से मैंने उठाया है, बट अभी क्या है ना, बहुत लिमिटेड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है, तो उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो बॉर्डर के जितने भी सारे, क्योंकि हमारा बॉर्डर बहुत बड़ा है यार, बांग्लादेश के बाद सबसे बड़ा, हम लोग शेयर चाइना के साथ ही करते हैं डायरेक्ट बॉर्डर, ठीक है? तो ज़्यादा अगर मीटिंग पॉइंट्स होगा तो रिस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी है दैट ज़्यादा कोई फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना आए। क्विक रिजोल्यूशन टू LAC डिमार्केटेशन, हाँ देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिमार्केट ठीक से नहीं किया गया है, ठीक है? तो ये डिमार्केट ठीक से करने की अभी हमें ज़रूरत है कहीं ना कहीं, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर में जिससे हम इस टाइप के डोकलम टाइप के स्टैंड ऑफ सिचुएशन को टैकल कर सके। कैपेसिटी बिल्डिंग हमें करना पड़ेगा LIs का। देखिए हम तो अपना बारे में तो सब कुछ सोच लिए, बट LIs जैसे हमारे भूटान एक बहुत इंपॉर्टेंट LI है, ठीक है? बट उनके पास देखा जा रहा है दैट मैन फोर्स नहीं है, इसलिए ना उनकी आर्मी डायरेक्ट उनको रोक नहीं पाई चाइनीज गवर्नमेंट को, है ना? इसलिए हम लोग को आना पड़ा बीच में। तो उनका ही कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो ना भाई, उन्हीं को लोग को ट्रेनिंग दो ना, क्योंकि उन लोग को ट्रेनिंग देने से फिर इंडिया और चाइना का इशू वो नहीं रह जाएगा ना, फिर भूटान और उसका पहले आएगा। अच्छा फिर बाद में अगर भूटान नहीं कुछ कर पाता उसके बाद देखा जाएगा, फिर तो हम लोग हैं ही, बट स्टिल हमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इस टाइप से सिचुएशन से, ठीक है? तो ये पूछा गया था क्वेश्चन में दैट क्या क्या हमें सीख लेना चाहिए, बट ये सब तो डायरेक्ट सीख है, कुछ कुछ इनडायरेक्ट सीख भी लेना चाहिए। वो सब इनडायरेक्ट सीख क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आवर मिलिट्री, क्योंकि CAG रिपोर्ट में बोला गया था दैट हमारा
मिलिट्रिकल जो बेस है वो कहीं बहुत ज़्यादा फीका है रिस्पेक्टिव टू चाइना, रिसेंट सीएजी रिपोर्ट में ऐसा बोला गया था, ठीक है। मतलब चाइना से कंपैरिजन नहीं किया गया था बट बोला गया था दैट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लो साइड में है। साथ ही साथ पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि ये पाकिस्तान कभी भी मौके का फ़ायदा उठा सकता है ना, हम इसके साथ लड़ रहे हैं वो उधर से यू नो आतंकवादी को इन्फिल्ट्रेट करा सकता है, समझ रहे बात। क्योंकि हमारा तो फुल कंसंट्रेशन इसके साथ चाइना के साथ तब रहेगा, फ्यूचर में ऐसा भले ही हो सकता है तो फ्यूचर के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है दैट फ्यूचर के में ऐसा सिचुएशंस को टालने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं मधुकर गुप्ता कमेटी रिपोर्ट। दोस्तों देखिए ये कमेटी रिपोर्ट तो वैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए था, बट उसी चीज को हम यू नो कहीं ना कहीं चाइना के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। बट देखिए वैसे ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा अलग ही रिलेशंस है, ठीक है, वो आतंकवादी भेजता है बट ऐसा नहीं दैट इंडिया से चाइना या फिर चाइना से इंडिया कोई आतंकवादी जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टिल कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम इधर इस मतलब चाइना वाले बॉर्डर में भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। अच्छा, और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट दोस्तों, रिड्यूस द इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना। देखिए इसको आप रिड्यूस भी बोल सकते हैं, इंक्रीज भी बोल सकते हैं, यही मुझे कन्फ्यूजन था दैट क्या बोलूँ, ठीक है। बट इंक्रीज करने से ना प्रॉब्लम हो इंडिया के लिए हो जाएगा। आप हम तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट हाँ भैया इंक्रीज डिपेंडेंस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कर दो तो बाद में फिर चाइना हमसे लड़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए अगर ज़्यादा हम लोग इंक्रीज कर देना इकोनॉमिक डिपेंडेंस तो वो हम लोग को इकोनॉमिक पपेट बना लेगा चाइना, ठीक है, तो वो हमें नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तो अभी अपना हमारा पास सब कुछ है यार, डेमोग्राफिक डिविडेंट है हमारे पास, रिसोर्स है हमारे पास, मैन फोर्स है ना, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल है हमारे पास, क्या नहीं है, हम लोग सब कुछ आराम से कर सकते हैं ना। और साथ ही साथ हमें इंश्योर करवाना पड़ेगा ये जो इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारा, हमसे हम उस चाइना हमसे जितना एक्स अमाउंट अगर इंपोर्ट करता है तो हम उनसे 6x अमाउंट इंपोर्ट करते हैं, 6 गुना से भी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं इनफैक्ट, ठीक है। वो इकोनॉमिक डिपेंडेंस घटाना देना चाहिए, कैसे घटा देना चाहिए, और सिर्फ चाइना के साथ ही नहीं हर देश के साथ, है ना, कैसे, हमारे देसी प्रोडक्ट यूज़ करो हम लोग, जैसे टूथपेस्ट है ना, आप लोग कोलगेट यूज़ करते होंगे बट मैं बोलता हूँ पतंजलि यूज़ करो यार, है ना, पतंजलि तो अपना इंडिया देशी माल है ना, और वो पतंजलि का ऐसा नहीं है दैट यू नो कोलगेट से जो फायदा मिलता है ना रॉयल्टी पैसा लेकिन बाहर चला जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बट ये पतंजलि वाला जो रॉयल्टी पैसा है ना वो इंडिया में ही रहता है और इंडिया के इनफैक्ट मतलब डाउनट्रोडन सेक्शन को उभारने के लिए वो एज अ फंड यू नो एज अ डोनेशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो बार बार बता रहा हूँ, कोशिश कीजिए, ठीक है, बहुत हद तक हम लोग ऐसा नहीं है दैट 100% यू नो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हम लोग चाइना से हटा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है ये मैं मानता हूँ, बट कुछ एक्सटेंट तक हम लोग घटा सकते हैं, तो जितना तक हो सकता है उतना तो कर लो यार, समझ रहे बात को। तो ये सब कहीं ना कहीं आप इस आंसर में लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना, यही क्वेश्चन मिलता है नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी गाइस, थैंक यू वेरी मच, यू गाइस आर टोटली ऑसम, थैंक यू गाइस।